بسم الله المصطفى، الحمد لله المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، पिछले चंद दिनों से मामूलात नक्शबंदिया का तस्करा हो रहा था। ये छह मामूलात हैं और उनमें से दो के ऊपर हमने गुफ्तगू की। एक अस्तगफार था और एक दुरूद शरीफ। आज की इन दो बातों में जो सिलसिला लिए नक्शबंदिया का तीसरा मामूल और वो है मुराकबा, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करने का इरादा है। मुराकबा कहते हैं अपने दिल में अल्लाह को याद करना। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाते हैं वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक, तो जिक्र कर अपने रब का अपने अंदर। तो ये जिक्र खफी है, जुबान से नहीं जिक्र किया जाता है बल्कि इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करता है, अपने अंदर अल्लाह को याद करता है। और अपने अंदर जो याद करना है, ये मशायख के नजदीक जुबान से याद करने से अफजल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जिक्र जिसको फरिश्ते नहीं सुन सकते वो 70 गुना अफजल है उस जिक्र से जिसको फरिश्ते सुन सकते हैं। तो जो जिक्र खामोशी से दिल में होता है वो ज्यादा अफजल, ज्यादा उसका असर है। और जो जिक्र जुबान से करते हैं उसका भी सवाब है, वो भी अपनी जगह एक मुतबर चीज है। मगर दिल ही दिल में याद करना जो है वो ज्यादा अफजल है। उसकी एक वजह अकली भी है कि ये मुमकिन है कि जुबान से अगर अल्लाह को याद कर भी रहे हैं तो दिल हाजिर ना हो। जैसे कि नमाज में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा दिल हाजिर नहीं था, मगर जब दिल से याद करते हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि दिल हाजिर ना हो। तो अकली दलील भी है कि जी वो जिक्र जो इंसान अपने दिल में करता है वो अफजल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वज़्कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि तू जिक्र कर अपने रब के नाम का हर चीज से हट कट के। तो मशायख ने तरतीब बनाई है कि ये मुराकबा ये अल्लाह का जिक्र किया जाए हर चीज से हट कट के। इसलिए इस हर चीज से हट कटने में मशायख ने यह भी फरमाया कि आंखें भी बंद कर लो, सर को भी झुका लो और अकेले बैठ के ये अल्लाह अल्लाह करे। इंसान ये सोचे कि मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है। पुराने पाक में अल्लाह ताला ने तारीफ की ऐसे बंदे की जो खरीदो फरोख करते हुए अल्लाह को याद करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि मेरा जवान मर्द बंदा तो वो है कि जो तिजारत और खरीदो फरोख्त के वक्त भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। अब तिजारत और खरीदो फरोख्त के वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होने वाला कौन है? जुबान से जिक्र करने वाला तो नहीं हो सकता। तिजारत में तो गुफ्तगू होती है ना कि भाई कितने का ये माल है, तुम कितने का बेचोगे, यार थोड़ा कम कर दो, यार थोड़ा ज्यादा कर दो। तो तिजारत खरीदो फरोख्त के वक्त जो अल्लाह को नहीं भूलता, अल्लाह ताला ने कहा ये जवान मर्द है, ये सही आदमी है। तो ये जो तिजारत और खरीदो फरोख्त के वक्त जो जिक्र है वो भी दिल के अंदर वाला जिक्र है।
और दिल के अंदर अल्लाह को याद करना ये नबी अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल सुन्नत थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कान यज़कुरुल्लाह कुल अहयानिही, कि अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह को हर लम्हे याद फरमाते हैं। तो हर लम्हे जुबान से याद नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में सोना भी है, खाना पीना भी, शादियां भी हैं, जिहाद भी है, सहाबा की तरबियत, गुफ्तगू, तो सारा वक्त जुबान से नहीं जिक्र हो रहा था, वो के सारा वक्त हो रहा था ये जिक्र दिल ही का जिक्र है। इसलिए ये मुराकबा ये बड़ी अहम तरीन चीज है। बल्कि मशायख ने फरमाया कि ये जो मुराकबा है ये सारे मामूलात में सबसे ज्यादा अहम मामूल है। कि एक मर्तबा दिल में अल्लाह को याद करना अगर आ गया तो अब आप बाकी जितने भी मामूल आपको बताए गए ना जी, तिलावत भी है, अस्तगफार भी है, दुरूद शरीफ भी है, और जितने भी मामूलात हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद है, अगर एक मर्तबा इस दिल में अल्लाह को याद करना आ गया इन तमाम मामूलात में भी हुजूरी बढ़ जाएगी। इसलिए सालिकीन से कहा जाता है कि ये सारे मामूलात करने हैं, इसकी पाबंदी जरूरी है, मगर इन मामूलात में सबसे अहम मुराकबा है ये जो दिल में अल्लाह को याद करना है। इसमें नागा नहीं आना चाहिए। तो किसी दिन अगर वक्त थोड़ा है तो बाकी मामूलात को आगे पीछे करें, इस मुराकबे को आगे पीछे ना होने दें। तो अगर ये मुराकबे में कामयाबी हासिल हो गई तो दिल की सफाई में कामयाबी हासिल हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, ये अल्लाह की जो याद है ये दिलों की शिफा है। तो जितना जल्दी ये मुराकबा पाबंदी पे आएगा उतना जल्दी ये बातनी बीमारियां दूर होंगी। इंसान शहवत के गुनाह से बचेगा, इंसान गुस्से के गुनाह से बचेगा, उजब तकब्बुर के गुनाह से बचेगा, हसद के गुनाह से बचेगा, दुनिया की मोहब्बत के गुनाह से बचेगा। तो अहम तरीन चीज है, और शैतान ने भी कसम खाई हुई है कि वो आपको ये करने नहीं देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं शैतान का तस्करा करते हुए, यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाही व अनिस्सलात, रोकेगा तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और तुम्हें नमाज से। तो ये पाबंदी नहीं होने देता, कभी किसी को किसी गड़बड़ में डाल देता है और कभी किसी को किसी गड़बड़ में डाल देता है। तो शैतान को हराना है और जिक्र की पाबंदी करनी है और मुराकबे को मजबूती से पकड़ना है। ये हमारे सिलसिले का अहम तरीन मामूल है। तो जिसने ये कर लिया उसने वाकई कामयाबी हासिल कर ली। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम कसरत से अल्लाह को याद करो। कसरत से याद दिल की याद के बगैर मुमकिन नहीं। तुम कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इसलिए इस मुराकबे को मजबूती से पकड़े। आप सब माशाल्लाह इतनी दूर से सफर करके आए हैं तो आज सबसे बड़ा और सबसे अहम पैगाम और सबसे बड़ी नीयत ये लेके जाएं कि इस मुराकबे को पाबंदी से करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أونلاين والے